फीमेल जब आएगी किसी उसके सामने मीटिंग में और उसको क्या डिफेंड करे, एफिडेविट दिया था लेके कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स, क्या करेंगे? ये तो इटसेल्फ आपका कसूर है कि एक तो सेल हुई और आप वहां नहीं थी या थे, ये भी आपका ऑफेंस है। फीमेल्स को हमेशा कहता हूं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, फीमेल्स को कहता हूं कि आप अपनी कैटेगरीज को रेंट आउट ना करें। क्यों? क्योंकि जब आप कैटेगरी को रेंट आउट करते हैं, मतलब मैंने देखा कि एक फीमेल एक जगह पर रहती है, तीन शहर छोड़ के दूर या किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसने अपनी कैटेगरी को रेंट आउट किया, तो फीमेल को इनका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? मेल को तो पड़ता ही, ऑब्वियसली जब सील करेंगे तो उसको जवाब देने हैं, उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, डिप्टी कमिश्नर के सामने आके पर्सनल हेयरिंग पे बताना पड़ेगा, शो कॉज का रिप्लाई करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या था। लेकिन मैं आपको एक केस सिनेरियो बताता हूँ, हम कई मेडिकल स्टोर फार्मेसीज को पकड़ते हैं जहाँ से बैंड मेडिसिन मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइग्रा मिल गई, सेक्शुअल चीज़ों के लिए मेडिसिन मिल रही हैं, क्रीम्स मिल रही हैं, स्प्रेज मिल रहे हैं, और उसकी लाइसेंसिंग किसके नाम पे? फार्मासिस्ट के नाम पे। फार्मासिस्ट वहाँ पे कौन है? फीमेल है, और फीमेल वहाँ पे है नहीं। जब ड्रग इंस्पेक्टर आया, उसने जब उसको देखा और उसने चलान या सील किया, तो उसने लिखा कि सेलिंग स्टॉकिंग एग्जिबिटिंग ऑफ ऑल दीज मेडिसिन इन द एब्सेंस ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन, और इस फार्मासिस्ट का नाम लिखा, तो उसने मुजरिम ठहराया प्रॉपर राइटर को, उस फार्मासिस्ट को, कि दिस मेडिसिन दिस फार्मासिस्ट डॉटर ऑफ दिस विद हैविंग सीन एस इज दिस एबसेंट, और वो मुजरिम हो गए दो। उसके बाद जो भी वहाँ पे बेच रहा है उसको मुजरिम करेंगे, तो ये दो तीन मुजरिम जो होंगे ये फिर जब केस जाएगा तो इनको फिर जब डी किसी भी या पी किसी भी के सामने आना है, तो ये एक फीमेल जब आएगी किसी उसके सामने मीटिंग में और उसको क्या डिफेंड करेंगी कि ये चीज़ें मेरे लाइसेंस के अंदर बिक रही थी, ये जो चीज़ें जो बेच रहे थे इतनी बैंड या स्मगल्ड आइटम या दो नंबर चीज़ें अशिया या नारकोटिक्स स्टेरॉइड्स है, ये मैंने सुपरवाइज करनी थी। क्यों? क्योंकि बीइंग मेल और फीमेल फार्मासिस्ट, मैंने इसको एफिडेविट दिया था लिख के कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ नहीं थी, तो आप डिफेंड क्या करेंगे? ये तो इटसेल्फ आपका कसूर है कि एक तो सेल हुई और आप वहाँ नहीं थी या थे, ये भी आपका ऑफेंस है, तो आप जो कि इसके आंसरेबल हैं, तो फिर ये प्रोसिक्यूट होगा, फिर इसके ऊपर हो सकता है सजा हो सकता है कि कोर्ट आपको कह दे कि जी आप इतना बड़ा ऑफेंस है कि आपकी कैटेगरी को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये कई चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, तो इस पर ज़रा अपने आप को, खासतौर पर फीमेल्स को हमेशा कहता हूँ कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें।